नमस्कार और स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट में। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम लोग कैसे 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन को हम अटेंड कर सके एकदम करेक्ट वे से, एकदम मतलब पूरा फाड़ दे पूरा पेपर को। तो आज का वीडियो वो है कि मिशन 40 आउट ऑफ 50। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है। जो हमारे कंप्लीट कोर्स है वो 45 डेज का कंप्लीट कोर्स है। फिर उसके बाद पेड और फ्री। एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि कोर्स है तो पेड में जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, पेड और फ्री कोर्स दोनों में ही जाएगा। फिर जीरो टू हीरो, जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश मेरा बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं हो पाएगा एग्जामिनेशन में, तो अभी से वो चिंता, वो जो दिमाग में जो भर लिए हो तुम लोगों ने, वो बाहर कर दो, क्योंकि अभी जीरो टू हीरो सेशन है कि तुमको इंग्लिश में जीरो टू हीरो बनाया जाएगा। फिर इसके बाद 30 मई से क्लास शुरू हो चुके हैं, 30 मई से क्लास शुरू हो चुके हैं। आज क्या तारीख है, 1 जून है ना, तो हो चुके 3 दिन हमारा क्लास हो गया है। तो ये हमारा जो नंबर है 9651222407। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन डाउट्स आप लोगों का है तो इन नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो कोर्स है, पेड कोर्स है, इनमें एनरोल कर लीजिए। ऑफर चल रहा है अभी, तो एकदम बेसिक से आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर लीजिए अपने आप को। फिर इसके बाद क्या है, मिशन 40 आउट ऑफ 50। 50 क्वेश्चन आने वाला है ना CUET में, तो 40 आप लोग एकदम करके आएंगे, ऐसा क्लास हमारा रहेगा, ऐसा क्लास रहेगा कि उसी में से आप लोग क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और क्लास भी वैसे रहेगा, एकदम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। तो पहले जो हमारा क्लास होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन एंड प्रोनाउन है और जो एडवर्ब है उसका क्लास हो चुका है ऑलरेडी। नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब क्लास हो चुका है, अभी क्या बाकी है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और कितने क्लास चलेगा, 8 क्लासेस चलेगा, सभी टॉपिक का एक एक क्लासेस। और जो बाद में होगा वो है रिविजन सेट, जो 9th डे पे होगा, वो क्या होगा, सभी का एकदम रिविजन सेट होगा, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, टेंस, टेंस का क्लास कितना होगा, 2 क्लासेस फॉर टेंस। क्या है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट में क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पार्टिसिपल, बहुत कुछ है, तो एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए 2 क्लास रखा गया है फॉर टेंसेस, ठीक है, फॉर टेंसेस। फिर इसके बाद डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स थोड़ा हार्ड है, आर्टिकल्स आएगा, आर्टिकल्स का रूल्स है, डेमोंस्ट्रेटिव है, फिर पोजेसिव है, फिर क्वांटिटिव, क्वांटिफायर्स है, तो इनका शायद 2 या फिर 3 क्लास रखा जाएगा, 2 या 3, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो तब डिसाइड होगा कि कितने क्लास लगेगा। पर ये थोड़ा हार्ड है, तो वही तरीके से बेसिक, फिर हम बेसिक से शुरू करेंगे तो एडवांस तक जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। फिर इसके बाद वॉइस चेंज, वॉइस चेंज में क्या आता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से हम पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, रूल्स के साथ पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, बेसिक से आप लोगों को पढ़ाएंगे, डायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद नरेशन, वो इसका भी 2 क्लास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका भी बहुत रूल्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो रूल्स होता है, वर्ड में रूल्स होता है, टेंसेस में रूल्स होता है, वो भी सीखना पड़ेगा आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, तो सभी के साथ शेयर करो, ठीक है, शेयर करो सेशन को। फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू द पिछले टॉपिक से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन टैग थोड़ा इजी है, तो इसीलिए हम लोग 1 क्लास रखेंगे क्वेश्चन टैग का, ठीक है, 1 क्लास। फिर एंटोनिम सिनोनिम जो है, हमारा 4 क्लास इनमें जा चुका है एंटोनिम सिनोनिम का, जो कि 40 × 4 = 160 एंटोनिम सिनोनिम आप लोगों को मिल जाएगा उस क्लास में। फिर भी हम लोग एक क्लास लेंगे एंटोनिम सिनोनिम का, और विद PPT आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विद PPT। PPT में 200 या फिर 300 एंटोनिम सिनोनिम रहेगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले बार की क्वेश्चन पेपर से, सिर्फ BHU की नहीं, बहुत यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से हम लाएंगे एंटोनिम सिनोनिम, फिर आपको PPT बना के या फिर PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो एंटोनिम सिनोनिम का चिंता आप मत लीजिए, वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर idioms एंड phrases जो है, इसका भी कोई रूल्स वगैरह तो है नहीं idioms एंड phrases का, कि हम आप लोगों को
सारे रूल्स, तो इसका क्या, बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस होगा वो हम आप लोगों को पीपीटी या फिर पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एरर करेक्शन, दो क्लासेस। एरर करेक्शन ऑब्वियसली बेस्ड किस पे होता है, किस पे होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे टेंसेस में, प्रीपोजिशन में। तो क्या होता है कि हम लोगों का पहले ही क्लास हो जाएगा, प्रीपोजिशन का पहले क्लास हो जाएगा, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो क्लास हो ही जाएगा, टेंसेस का भी क्लास हो जाएगा। तो एरर करेक्शन में बस हम दो ही क्लास लेंगे, क्योंकि रूल्स आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तो बस दो ही क्लास एरर करेक्शन में लगेगा। फिर क्या है एनालॉजी, एनालॉजी में एक क्लास, क्योंकि एनालॉजी आप लोग पढ़ चुके हैं रीजनिंग में, जैसे जिस तरीके से एनालॉजी आता था कि ऑपोजिट से ऑपोजिट, सिमिलर से सिमिलर, ऐसे करके वो ग्रामर में भी है कि ग्रामर में आपका ऑपोजिट वर्ड से ऑपोजिट वर्ड मिलेगा, यही एनालॉजी है। बहुत ही सिंपल सा है, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आप देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में जो है बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, पर हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को ही देखेंगे। तो इसके लिए तीन या फिर चार क्लास रखा जाएगा, तीन क्लास शायद रखा जाएगा स्पीच ऑफ के स्पीच के लिए, फिगर ऑफ स्पीच के लिए, और एक क्लास क्या रखा जाएगा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आप लोग एकदम बेसिक बेसिक से शुरुआत नहीं की है। आप लोग जाते हैं CBSE 11 12 में तो आप लोगों को बस बताया जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, पर हम लोग यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद वांट वर्ड सब्स्टिट्यूशन वांट क्लास, इसका भी कोई रूल्स नहीं है, हालांकि हम लोग आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे, PPT प्रोवाइड कर देंगे, और रूल्स की चिंता मत कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम, इसका कोई रूल्स नहीं होता है, बस प्रैक्टिस करने का जरूरत है सभी को। फिर इसके बाद एसोसिएशन एंड रीजनिंग, इसका दो क्लास लगेगा, इसका भी आप देखेंगे सिर्फ ग्रामर में नहीं आता है, हिस्ट्री में भी आता है, जियोग्राफी में भी आता है, कि एक लाइन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, तो उसके रीजनिंग, उसके रीजन क्या है बताओ, तो ऐसे होता है, ग्रामर में भी होता है, वो भी हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस सभी कुछ जो है बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, ताकि आप क्या बने, जीरो से हीरो, ठीक है, जीरो से हीरो। फिर उसके बाद इनडेफिनाइट जेरंड एंड पार्टिसिपल्स, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड है ये, थोड़ा सा हार्ड है, पर आप सीख जाएंगे, तीन क्लासेस लग जाएगा तो आप सीख जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद, क्या है लिटरेरी एप्टीट्यूड, मैम ये क्या है, जो जो लिटरेरी एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है, पोइट्री, या फिर वर्क, फिर ड्रामा, इन सब चीज़ों का नाम, फिर किस टाइम में लिखा गया है, किस एरा में लिखा गया है, कौन लिखा है, कितने पार्ट्स में लिखा गया है, ये सब आता है लिटरेरी एप्टीट्यूड। लिटरेरी एप्टीट्यूड मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा कि लिटरेचर कहाँ से शुरुआत हुई है, किस क्या क्या चीज़ है लिटरेचर की हिस्ट्री में, यहाँ से शुरुआत होता है। हालांकि इसका बहुत एक बुक है, बहुत सारे बुक है जो हम लोगों को थर्ड ईयर या फिर MA लेवल पे पढ़ना पड़ता है, वो आप लोग जानते भी है, पर आप लोगों को उतना एडवांस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग जानते हैं कि क्या कौन से वर्ड किसने लिखा है, या फिर कौन से ड्रामा किसके द्वारा एक्ट किया गया है, तो ये सब जो बहुत ही थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो हम लोग तीन क्लास में कवर करेंगे। तीन क्लास में कैसे कवर करेंगे, इसका तो कोई रूल्स नहीं है, कोई एग्जांपल्स नहीं होगा, इसका क्या करेंगे हम, बस कुछ MCQs ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप लोगों को रिमेंबर भी हो जाएगा, PDF PPT भी मिल जाएगा इसका, इसका PDF मिलना बहुत ज़रूरी है, जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सभी कुछ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्यों आएगा लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन, ताकि आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सभी कुछ चीज़ों से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी एप्टीट्यूड, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सब कुछ। तो पहले आप वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला होगा लास्ट। फिर लास्ट में क्या होगा, फ्री प्रैक्टिस सेशन विद PDF सेट। टाइम बच जाएगा, या फिर चार दिन बचेगा, पाँच दिन बचेगा, तीन दिन बचेगा, तीन दिन में भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, सभी कुछ मिला के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर भी करेंगे, और आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और फिर इसके बाद जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि कुछ चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। पहले क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि पेट के लिए ही लगेगा मैम ये क्लास, नहीं, पेड प्लस फ्री स्टूडेंट्स, ठीक है।
फिर इसके बाद यू विल ऑल बी टॉट फ्रॉम बेसिक ग्रामर टू एडवांस, बेसिक से आप लोगों को एडवांस लेवल तक ग्रामर पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद बी एन एक्सपर्ट इन ग्रामर इन जस्ट 45 डेज। 45 डेज के अंदर आप लोग क्या होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ग्रामर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि एकदम सीयूईटी में जाके, सीयूईटी एग्जामिनेशन में जाके क्या कर पाए, 50 में 40 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे पाए, ठीक है। फिर इसके बाद यू ऑल विल प्रोवाइड विद द फ्री टेस्ट सेशन सीरीज एंड पीडीएफ। आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट सेशन सीरीज पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद ऑल द क्लासेस पीडीएफ विल बी प्रोवाइड टू यू। हर एक जो क्लास होगा हमारे, हर एक क्लास का पीडीएफ, हर एक क्लास का पीपीटी आप लोगों को भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यही सब चीज़ें थे जो हम अभी आपसे डिस्कशन करना चाहते थे, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था हमने दे दिया। हम चाहते हैं कि 10:30 बजे से, हर एक दिन 10:30 बजे से हम लोगों का लाइव क्लास शुरू होते हैं, तो हम चाहते कि आप सभी लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इन सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एकदम टाइम पे जुड़ जाइए। हीरो से, जीरो से हीरो बनना है तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल पर हम हर दिन 10:30 बजे से जुड़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हर एक दिन 10:30 बजे से लाइव।